नमस्कार दर्शक मित्रों, देवा न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सड़क चौड़ीकरण को लेकर दमण में डाबेल चेकपोस्ट से लेकर डीमार्ट तक के रास्ते पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। अवैध तौर पर बिसरी के पानी को बेचने को लेकर वापी रेलवे स्टेशन पर रेलवे विजिलेंस की टीम द्वारा की गई छापेमारी। 203 जीपी अवैध पानी के बक्से को लगाया जब्त। पार्टी के नेशनल हाईवे नंबर 48 वल्लभ आश्रम के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत। अब समाचार विस्तार से। संघ प्रदेश दमण में मार्गों की चौड़ाई को लेकर प्रशासन द्वारा दमण डाबेल डीमार्ट से लेकर डाबेल चेक पोस्ट तक किया गया डिमोलिशन। संघ प्रदेश दमण में मार्गों की चौड़ाई को लेकर प्रशासन द्वारा कामगिरी शुरू की गई हो। दमण के अति व्यस्त ऐसे डाबेल क्षेत्र जहां पर उद्योग भी बड़ी संख्या में आए हुए हो, डाबेल क्षेत्र के मार्गों की दोनों साइटों को 25 मीटर चौड़ा करने का फैसला प्रशासन ने लिया हो। मार्ग के दोनों साइटों पर डिमोलिशन करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पहले इस क्षेत्र की दुकानों, होटलों, घरों एवं अन्य एकमों को नोटिस देकर अतिक्रमणों को खुद ही हटाने की विनती की गई थी, पर उसके बावजूद अतिक्रमणों को खुद नहीं हटाया गया हो। मंगलवार को डेप्यूटी समाहर्ता मामलतदार के साथ चुस्त पुलिस बंदोबस्त को लेकर डाबेल के डीमार्ट से लेकर डाबेल चेक पोस्ट तक के मार्ग के दोनों साइटों पर आए अतिक्रमणों का डिमोलिशन करने की कामगिरी प्रशासन द्वारा शुरू की गई थी, तो आने वाले दिनों में भी मार्ग की चौड़ाई को लेकर जो भी अतिक्रमण होगा प्रशासन द्वारा उसे हटाया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर रेलवे विजिलेंस की टीम द्वारा छापेमारी कर गैरकानूनी पानी की बोतलें की गई जब्त। वापी रेलवे स्टेशन पर रेलवे विजिलेंस टीम द्वारा छापेमारी करते गैरकानूनी पानी की बोतलों को जब्त किया गया था, जिसमें पानी की 203 बॉक्स और 2436 बोतलें जब्त की गई। पश्चिम रेलवे द्वारा रेल नील कंपनी की परमिशन दी गई है, जिसकी जगह पर वापी रेलवे द्वारा अदर कंपनी की बोतलें रखते पश्चिम रेलवे विजिलेंस टीम द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें वापी रेलवे स्टेशन पर 17 स्टॉल आई हुई हो। 6 स्टॉलों पर से गैरकानूनी पानी को पकड़ा गया। वापी रेलवे स्टेशन ए ग्रेड की गिनती में आता है, पर पश्चिम रेलवे द्वारा वापी रेलवे स्टेशन में एक भी पानी का गोदाम न हो स्टॉल मालिकों द्वारा बताया गया कि उन्हें काफ़ी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। वापी रेलवे स्टेशन पर हर रोज अंदाजित 200 से 300 पानी की बॉक्स की आवश्यकता रहती है। उनके सामने रेल नीर कंपनी द्वारा पानी नहीं दिया जाता हो स्टॉल मालिकों को दूसरी कंपनियों का पानी रखना पड़ रहा है।
स्टॉल दे सके कमर्शियल जे ऑफिसर है ने एना पर आई नहीं वो तो देख सकता है कमर्शियल ऑफिसर ये लुक के थोड़ी पकड़ सकता है हां लुक को तो देखेगा दूसरे का है बाहर थोड़ा बाहर वाला पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 वल्लभ आश्रम के पास दोस्त के विवाह प्रसंग में जा रहे नानी पलसाना गांव के युवा की अनजाने वाहन चालक की चपेट में आते बाइक चालक युवा की हुई थी जगह पे ही दर्दनाक मौत। पार्टी तहसील के नाना पलसाना गांव में रहते नीलेश तिरुभाई हड़पति उम्र वर्ष 28 साल सोमवार को कलवाड़ा में रहते उनके दोस्त के विवाह प्रसंग में जाने के लिए अपनी बाइक नंबर JJ15BK4087 पर सवार होकर निकले थे। उस दौरान पार्टी वल्लभ आश्रम के पास हाईवे पर एक अनजाने वाहन चालक ने नीलेश की बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर लगाई थी। दुर्घटना के चलते युवा नीचे गिर जाते, अनजाने वाहन का पहिया युवा के शरीर पर घूम जाते, युवा की जगह पे ही दर्दनाक मौत हुई थी। घटना में अनजाना वाहन चालक घटना स्थल कर फरार हो गया था। पार्टी पुलिस थाने के PSI मेहता सर ने शव को कब्जे में लेकर PM करवा कर आगे की जांच शुरू की है। उमरगाम नगर पालिका द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की उड़ाई जा रही है धज्जियां। पालिका के डंपिंग साइट की खुली जगह पर कचरा डाला जा रहा हो, पशुओं के साथ लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर मंडरा रहा है खतरा, जल्द कार्यवाही की उठी लोकावास। उमरगाम नगर पालिका तंत्र द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उमरगाम नगर पालिका के डंपिंग साइट के सामने खुली जगह पर पिछले 3 महीने से ज्यादा वक्त से नगर पालिका क्षेत्र का कचरा डाला जा रहा है। पास में ही आए सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों और उपचार के लिए आते मरीजों को भी इस दुर्गंध की वजह से काफी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। तहसील स्वास्थ्य अधिकारियों ने पालिका की लापरवाही के वजह से लोगों को झेलनी पड़ रही परेशानियों के चलते रोष जताकर अब जिला कलेक्टर और RCM सूरत को रजूआत के लिए बताया गया है। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी द्वारा स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। उमरगांव नगर पालिका प्रशासन स्वच्छता के बारे में लोक जागृति के लिए दीवारों पर प्रेरणादायी सूत्र लिखकर जागरूकता फैलाते हैं, पर यहां पर खुली जगह पर कचरा डालकर अवोल पशुओं और उपचार के लिए आते मरीजों के लिए बीमारियां फैलने का भय लगातार बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो उमरगांव नगर पालिका स्वास्थ्य समिति के चेयरमैन मिलन सोनपाल ने जगह की मुलाकात लेकर तुरंत कार्यवाही करने के लिए बताया है। अब देखना रहेगा कि भाजपा के साथ उमरगांव नगर पालिका लोकहित के लिए क्या कदम उठाती है। હું CHC ઉમરગામથી બોલું છું, ડૉક્ટર નિમિષા. અમારી CHCના 100 મીટરના અંતરમાં જ ડમ્પિંગ ઝોન આવેલો છે અને એના લીધે માખીઓનો ઉપદ્રવ થાય છે, વાસ આવે છે, ધુમાડો પણ આવે છે. અમારે એડમિટેડ પેશન્ટને પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે. અમે વારંવાર તંત્રને રજૂઆત કરી છે પણ કોઈ ઉકેલ આવ્યો નથી. મેં એવું ઈચ્છે છે કે આ ચોમાસું પહેલાં સાઇટ અહીંયાથી બીજી જગ્યાએ શિફ્ટ થઈ જાય. અહીંયા ઉમરગામ સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર અને રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે જે કેમ્પસની બાજુમાં નગરપાલિકાની ડમ્પિંગ સાઇટ છે એ ઘણા વર્ષોથી અહીંયા કાર્યરત છે અને એ બાબતે નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરશ્રી અને ધારાસભ્ય સુધી રજૂઆતો કરેલી છે અને આ ડમ્પિંગ સાઇટ 100 મીટરની ત્રિજ્યામાં હોવાને લીધે અહીંયાના જે સગર્ભા માતાઓ છે, પેશન્ટ છે અથવા ડૉક્ટરો છે એને ફાઉલ સ્મેલ આવે છે, ઘણીવાર ધુમાડો આવે છે અને એને લીધે ઘણીવાર ખૂબ જ તકલીફ પડી રહી છે અને આ બાબતે બીજી સાઇટનું કામ શોધવાનું ચાલુ છે એવું આગળના ચીફ ઓફિસર દ્વારા જણાવવામાં આવેલું હતું અને એ જગ્યા ફરી કોર્ટના વિવાદમાં છે એટલે વાર લાગશે એ ટાઈપની વાત થઈ છે. પણ આ તાત્કાલિક અહીંયાથી દૂર કરી અને એના નિયમ અનુસાર જો ડમ્પિંગનું કામ થાય તો આ પહેલાં તો આ સાઇટ અહીંથી હટે જાય તો આ પેશન્ટને અને ડૉક્ટરને ડ્યુટી કરવામાં પણ ઘણું સારું પડે એમ છે. રોગી કલ્યાણ સમિતિની મીટિંગમાં પ્રાંત સાહેબ સાથે અને બાકીના પ્લેટફોર્મ ઉપર વાત કરી છે અને જો એમાં આગળ RCM કે કલેક્ટર મેડમને પણ અમે જરૂર પડે તો અમે રજૂઆત કરવાની તૈયારી છે. કપરાડા તહેસીલ કે ગિરનારા ફલિયે મેં આદિવાસી કા ઘર ખાલી કરવાને કો લેકર અધિકારી દ્વારા દબાવ બનાતે પરિવાર બના હે નિરાધાર, ન્યાય કે લગા રહા હે ગુહાર.
कपराड़ा के गिरनारा बरडा फलिये में लक्ष्मणभाई काकड़भाई राउत का गरीब परिवार पिछले कई सालों से रह रहा है। वो लोग सरकारी नियमों के मुताबिक घर वेरा भी भरते हैं। उनके घर के पास ही सरकारी अस्पताल आई हुई है। इस अस्पताल के कैंपस के बाहर लक्ष्मणभाई का घर होने के बावजूद कपराड़ा के सर्कल अधिकारी अमित सोलंकी द्वारा परिवार को धमकियां देकर तुरंत घर खाली करने के लिए और नहीं किया तो जेसीबी लाकर घर तोड़ देने की दादागिरी करते परिवार निराधार बना हुआ है। इस बारे में समस्त आदिवासी समाज प्रमुख कपराड़ा के जयेंद्र गावित के साथ बात करते उन्होंने बताया कि अधिकारी जिस तरीके से इस गरीब परिवार को परेशान कर रहे हो, ये अधिकारी अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे तो आने वाले दिनों में आदिवासी समाज रास्ते पर उतर कर अधिकारी के विरुद्ध हल्ला मचाएंगे। ऐसा फैसला लिया गया है तो अब आने वाले दिनों में प्रशासन क्या कदम उठाते हैं ये देखना रहेगा। दादरा नगर हवेली में ज्यादा फसल उगाने के लिए सिंचाई की पूर्ण रूप से सुविधाएं प्राप्त हो, प्रशासन द्वारा सिंचाई के लिए योग्य कदम उठाए, ऐसी उठ रही है किसानों की आवाज। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में अभी भी कृषि क्षेत्र में कम मात्रा है। बहुसंख्यक आदिवासियों बड़े ही उत्साह के साथ कृषि कर रहे हैं, पर कई खेतों तक पानी नहीं पहुंचता हो, साल में एक बार ही फसल लेते हैं। प्रगतिशील किसान जोसेफ बताते हैं कि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में गन्ने और डांगर की फसल मुख्य फसल है, पर सिंचाई का पानी मिले तो किसान ज्यादा से ज्यादा फसल ले सकता है, पर समस्या नहरों के पानी की है जो पहुँचती ही नहीं है। सभी जगह पर नहर नहीं है। अगर प्रशासन द्वारा नई नहरें बनाई जाए तो असिंचित जगह को भी सिंचित जगह बनाकर ज़्यादा फसल ले सकते हैं और दादरा नगर हवेली में नई हरित क्रांति भी ला सकते हैं। तो अब सिंचाई के इस प्रश्नों को लेकर प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाए, ऐसी दादरा नगर हवेली के किसानों में आवाज़ उठ रही है। Thank you.
अभी देखो जहाँ पे पानी का सुविधा है वहाँ पे लोग खेती करते हैं, थोड़े बहुत खेडूत अभी बचे हैं नगर हवेली में जो खेती में रुचि रखते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि भाई जो पानी का सुविधा है, जो कैनल है कहीं टूट गया है, कहीं बना है, कहीं बना ही नहीं है, तो अगर जो यहाँ का प्रशासक अगर जो इसमें थोड़ा ध्यान दे और जहाँ जहाँ पानी का लेवल नीचे है, मधुबन डैम के नीचे वाला भाग जो है उसमें अगर जो अच्छे से एक प्रोजेक्ट बना के कैनल, पक्का कैनल का सुविधा अगर जो करते हैं तो हमारा दादरा नगर हवेली में जो बची खेती वाली जगह बची हुई है उसमें यहाँ का जो खेडूत है वो भरपूर लाभ ले सकता है। बाकी तो वो डिपेंड करता है जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है, इन लोग एक सर्वे करना चाहिए कि खेती वाला ज़मीन कहाँ कितना जगह है, कितना फार्मर को खेती करने में इंटरेस्ट है और इन लोग को थोड़ा गाइडेंस देके मोटिवेट करके वही सबसे जो रिक्वायरमेंट है पानी का वही सबसे कैनल बनना चाहिए। दादरा नगर हवेली के युवा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के युवाओं ने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देने के साथ साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के फिट इंडिया मूवमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आदिवासी युवा दादरा नगर हवेली के स्टेट लेवल के जीत कुनेडो मार्शल आर्ट्स के प्रमुख है ऐसे श्री रंजीत गुरुडाजी के आयोजन में राष्ट्रीय कक्षा के जीत कुनेडो मार्शल आर्ट्स के प्रमुख जिन्होंने कई सारी छोटी बड़ी फिल्में, टीवी सीरियल्स इत्यादि का निर्देशन साथ ही मूवी शूट्स का काम कर चुके हैं ऐसे श्रीमान रंजन सिंह राजपूत जी और उनके साथी प्रेम जी और सतीश सर जी द्वारा आदिवासी भवन और लायन सफारी वासना में 23 और 24 अप्रैल 2 दिवसीय कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। इस अवसर पर मुख्य मेहमान के तौर पर मुकेश पटेल, ब्रिजेश भूसारा और धीरेन्द्र मुंडा उपस्थित रहे थे। कार्यक्रम में ट्रेनरों द्वारा शानदार स्टंट की प्रस्तुतियां दी गई। इवेंट का हेतु मार्शल आर्ट, महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा और शरीर और मन को फिट बनाने के लिए और आदर्श नागरिक बनकर देश और मानव कल्याण के कार्य करने के लिए बताया गया। इस इवेंट का हेतु दादरा नगर हवेली प्रदेश के युवाओं का विकास करना है और आने वाले वक्त में मार्शल आर्ट और फिल्म जगत में नया आयाम रचकर आगे बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। मिक्स मार्शल आर्ट में एवं है कि अमे जीत कुनेडो कर चलावता था पर फिलहाल हमें अमरा डेवलप न लीधे मिक्स मार्शल आर्ट में अमे पगलू भरता से आ मास्टर अमार ट्रेनिंग आया से एम कपराड़ा थी मास्टर लोग आया से अने वापी थी भी मास्टर लोग आया से अने वलसाड़ थी भी मास्टर लोग आया से अने सिलवासना भी से बाकी नानला छोकरा से सिलवासना से जे अमरा पोता भी छोकरा से एम कर मतलब अमरु टीम अँज नहीं वलसाड़ विस्तार में वलसाड़ जिले में भी कवर करती है। गर्ल्स लोग मैं वलसाड़ी छूँ, मरा सर नाम संदीप सर है, रंजन सर बहुत सारी प्रैक्टिस कराई है अने गर्ल्से भी सीखवुज जो है मार्शल आर्ट हाँ तो कराटे जो सीखे तो सीखव जो है गर्ल्स में बेस्ट है। थैंक यू। ये मिक्स मार्शल आर्ट का कैंप है, 2 दिवसीय कैंप था, एक दिन हम लोगों ने इंडोर किया है और एक दिन आउटडोर किया। आउटडोर में काफ़ी बाहर के एक्टिविटीज़ होती है इसलिए हम लोगों ने आउटडोर चुना था और इंडोर इसलिए था क्योंकि थ्योरिकल बहुत कुछ था उसमें तो इंडोर इसके लिए चुना था। मार्शल आर्ट तो सबके लिए कंपलसरी होना चाहिए, आज जैसा दौर चल रहा है चाहे इम्यून सिस्टम बढ़ाना हो, चाहे सेल्फ डिफेंस के लिए हो या स्पोर्ट्स के लिए हो, जॉब के लिए हो, हर चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है और हर किसी के लाइफ में चाहे वो कुछ भी कर रहा हो किसी भी प्रोफेशन में हो एक स्पोर्ट्स होना चाहिए उसके लाइफ में। और मेरा मानना है कि अगर मार्शल आर्ट में इंटरेस्ट है तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा होता है। धन्य हूँ कपराड़ा गाम थी आऊँ छू, ऊंडा विस्तार में रहूँ छू। આપણે ત્યાં આવા બધા પેરેન્ટ્સ લોકો માનતા છે કે છોકરીઓને શીખીને શું ફાયદો એમ, તો આપણે એટલું જાગૃત બનવાનું કે છોકરીઓ ગામની હોય કે સિટીની હોય બધી ગર્લ્સને આ માર્શલ આર્ટ જરૂરી છે, હવેના જમાનમાં અંત જરૂરી જ છે મતલબમાં,
એવી હું આશા કરું છું કે બધા સેલ ડિફેન્સના ક્લાસ રેગ્યુલરલી જોઈન કરે ને ભવિષ્યમાં આવી રીતે શીખતા રહે કે જેમ કરીને કોઈના પર આફત નહીં આવે. એટલા માટે બધાએ આ ગર્લ્સને માર્શલ આર્ટ ક્લાસ જોઈન કરવો જ જોઈએ એવું હું આશા રાખું છું. મહિલાઓ માટે પહેલાં કોઈ ડિફેન્સ માટે એ લોકોને છે ને આ સેલ્ફ ડિફેન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, કારણ કે કોઈ વ્યક્તિ કે એનો કોઈ પણ હોય એ હાથે એક દિવસ ને એક દિવસ એકલી જવાની છે કોઈ જગ્યાએ. એ દિવસ કોઈને નક્કી નહીં રહે કે ક્યારથી આપણા પર હમલો થાય ક્યાં નહીં થાય. એટલા માટે સેલ્ફ ડિફેન્સ શીખવું જ જોઈએ ને એ સેલ્ફ ડિફેન્સ જ્યારે આપણે શીખેલા હોય ત્યારે જ એને કીક કાતો પંચ ને તો આપણી પોતાની સેફટી બચાવીને એનથી બચીને આપણે ભાગી તો શકાય. સમાચારો કે અંતમાં આવીએ એક નજર ડાલતી આજ કે મુખ્ય સમાચારો પર. सड़क चौड़ीकरण को लेकर दमण में डाबेल चेक पोस्ट से लेकर डीमार्ट तक के रास्ते पर प्रशासन ने चलाया बुलडोजर. अवैध तौर पर बिस्तरी के पानी को बेचने को लेकर वापी रेलवे स्टेशन पर रेलवे विजिलेंस की टीम द्वारा की गई छापेमारी. 203 जीपी अवैध पानी के बक्से को किया गया जब्त. पार्टी के नेशनल हाईवे नंबर 48 वल्लभ आश्रम के पास अनजाने वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की हुई दर्दनाक मौत. तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार. नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज.